म्यूजिक यानी संगीत मा सरस्वती को साहित्य संगीत तथा कला की देवी कहते हैं आइए जानते हैं संगीत के बारे में है क्या संगीत संगीत किसे कहते हैं संगीत का मतलब यानी जहाँ गायन वादन तथा नृत्य सभी का समावेश एक साथ होता है उसे संपूर्ण रूप से हम संगीत कहते हैं संगीत में स्वर कितने होते हैं संगीत में पारंपरिक रूप से सात प्रकार के स्वर होते हैं जैसे सारे नी, स सा। यह जो सात स्वर हैं, यह किसी खास भाव को व्यक्त करते हैं आइए उनको भी जानते हैं जैसे सा जो है अग्नि देवता को व्यक्त कर रहे हैं रे यानी ऋषभ ब्रह्म देवता को भाव व्यक्त कर रहे हैं ग यानी गंधर्व यानी सरस्वती माता को भाव व्यक्त हो रहा है म यानी मध्यम यानी महादेव शिव को भाव व्यक्त हो रहा है प यानी पंचम लक्ष्मी माता को भाव व्यक्त हो रहा है ध यानी धैत्व गणेश भगवान को भाव व्यक्त हो रहा है नी यानी निषाद यानी सूर्य देवता को भाव व्यक्त हो रहा है यह सात स्वर किसी, ना, किसी रूप से गाने बजाने में, वह कही ना कहीं इन सारे स्वरों का मेल होके इन देवताओं को भाव व्यक्त हो रहा है अब जानते हैं संगीत में स्वर कितने प्रकार के होते हैं संगीत में स्वर दो प्रकार के होते हैं पहला शुद्ध स्वर दूसरा कोमल स्वर शुद्ध स्वर में रे नि आते हैं वहीं कोमल स्वर में रे नि आते हैं आप जानते हैं सप्तक किसे कहते हैं सा रे ग नि इन सात स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं उपरुक्त सात स्वरों को क्रमानुसार गाया और बजाया जाता है संगीत में सप्तक तीन होते हैं पहला मंद्र सप्तक नीचे के लिए दूसरा मध्य सप्तक नीचे के स्वर के लिए तीसरा तार सप्तक ऊपर के स्वर के लिए अब जानते हैं आरोह किसे कहते हैं किसी भी राग में उन्हीं के स्वरों में ऊपर जाने वाली क्रिया को दर्शाते हैं उसे हम सही रूप से आरोह कहते हैं जैसे सारे गा मा पा, नी अब जानते हैं अवरोह किसे कहते हैं किसी भी राग में उन्हीं के स्वरों में नीचे की ओर आध वाली स्वर की दर्शा है उसे हम सही रूप से अवरोह कहते हैं जैसे ध रे सा अब जानते हैं चल स्वर किसे कहते हैं जो स्वर अपने स्थान से ऊपर नीचे स्थान परिवर्तन करता है उस स्वर को हम चल स्वर कहते हैं अचल स्वर किसे कहते हैं अचल स्वर का मतलब जो स्वर अपने स्थान पर कायम रहते हैं यानी अपना स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं और उस स्वर को हम अचल स्वर कहते हैं जैसे सा और प यह दो स्वर को हम आधार स्वर बनाते हैं जैसे हारमोनियम और तानपुरे पर इस स्वर को हम बेस स्वर बनाते हैं अब जानते हैं भारतीय संगीत के प्रकार तो भारतीय संगीत में चार प्रकार के हैं बेसिक पहला इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जिसको भारतीय शास्त्रीय संगीत कहते हैं ये दो प्रकार के होते हैं एक हिंदुस्तानी स्टाइल दूसरा कर्नाटिक स्टाइल हिंदुस्तानी स्टाइल नॉर्दर्न इंडिया में प्रचलित है वहीं कर्नाटिक स्टाइल साउथ इंडिया में प्रचलित है हिंदुस्तानी स्टाइल के दो प्रकार हैं पहला खवल और दूसरा ध्रुपुर अब बात करते हैं उपशास्त्रीय संगीत जो कि भारतीय शास्त्रीय संगीत से ही आया है जिसको हम सेमी क्लासिकल म्यूजिक कहते हैं दूसरा टाइप है फोक म्यूजिक जिसको हम लोक गान कहते हैं तीसरा है फ्यूजन ऑफ क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक यानी कि क्लासिकल और फोक म्यूजिक का संगम यानी कि भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक ए, लोक, ए, लोक गान का मिक्स रहेगा तो उसको हम थर्ड टाइप में रखेंगे और चौथा है आधुनिक संगीत जिसमें रॉक रॉक म्यूजिक पॉप म्यूजिक ब्लू म्यूजिक ट्रांस आकर्षक म्यूजिक जेज म्यूजिक सिडेलिक म्यूजिक ये सब आते हैं इसके कुछ और भी टाइप्स हैं जैसे कि भाव या भाव संगीत जिसको लाइट म्यूजिक कहते हैं फिल्मी गाने जिसको चित्रपट कहते हैं यह था भारतीय संगीत वहीं वेस्टर्न संगीत का बात किया जाए तो उसमें भी सात स्वर होते हैं आइए उनको भी जान लेते हैं दो रे मी फा सो ला ती दो जैसे कि ये सात स्वर हैं सेम जो इंडिया में म्यूजिक में इंडियन संगीत में जो सात स्वर हैं सेम वही वेस्टर्न में भी है बट उसका लिरिक्स और ये सब थोड़ा सा चेंज हो जाता है कभी वेस्टर्न संगीत पे भी बात करेंगे